9 मई यानी रूस के लिए विक्ट्री डे। इसी दिन रूस पूरे विश्व के खिलाफ जंग का ऐलान कर सकता है और ये डर अब बढ़ता जा रहा है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो अब रूस के पैंतरे नहीं समझ पा रहा है। नेटो के पूर्व चीफ ने सभी पश्चिमी देशों को तैयार रहने की सलाह दी है। वो मानते हैं कि पुतिन का मूड कभी भी बदल सकता है। बस चंद दिन और पूरी दुनिया आकलन करती रह जाएगी और पुतिन एक और महायुद्ध शुरू कर चुके हैं। विक्ट्री डे से पहले जीत की ट्रॉफी पुतिन को चाहिए ही चाहिए, और अगर ये ट्रॉफी नहीं मिली तो 9 मई से लेकर अगले कुछ दिनों के अंदर ही ये पूरा युद्ध ही खत्म हो जाएगा। यकीनन ये युद्ध रूस की ओर से नहीं बल्कि यूक्रेन की ओर से खत्म होगा, क्योंकि यूक्रेन की ओर से लड़ने वाला कोई बचेगा ही नहीं। अभी हाल ही में रशिया टीवी के एडिटर इन चीफ ने युद्ध के खत्म होने की आशंकाओं पर अपनी बात रखी थी। उनकी न्यूक्लियर वाली सोच ही नाटो के चिंता का विषय है। पुतिन कई बार दोहरा चुके हैं कि यूक्रेन में हो रहे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन में अगर कोई देश आया तो रूस उसके खिलाफ जंग छेड़ देगा। रूस की धमकियों को अब नाटो देश हल्के में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि रूस की विक्ट्री डे परेड नजदीक है। अब केवल 9 दिन बचे हैं। कल ही ब्रिटेन के रक्षा सचिव बेन वॉलेस परेशान थे, क्योंकि उन्हें पूरा अंदेशा है कि 9 मई को पुतिन यूक्रेन के खिलाफ और उसकी मदद करने वाले देशों के खिलाफ बड़ी जंग का ऐलान कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से आज पूर्व नाटो चीफ रिचर्ड शेरिफ ने भी पश्चिमी देशों को यूक्रेन युद्ध में कमर कस लेने की अपील की है। रिचर्ड शेरिफ ने पश्चिमी देशों को यूक्रेन के मामले में रूस के साथ एक बड़े युद्ध की तैयारी कर लेने की सलाह दी। वो मानते हैं कि रूसी सेना को कीव की असफलता खाई जा रही है। यूक्रेन युद्ध अब तीसरे महीने तक खिंच गया है। यूक्रेन जैसे देश से रूस लंबी जंग नहीं लड़ना चाहता था। वो तो ये मानकर चल रहा था कि यह युद्ध 3 से 4 दिनों में ही खत्म हो जाएगा, लेकिन युद्ध का लंबा खिंचना रूसी सेना की काबिलियत पर शक करने जैसा हो गया है। यूक्रेन भी युद्ध के लंबा खिंचने को ही अपनी जीत मान रहा है। इसी जोश में वो लगातार रूस को चुभाने वाले डेटा जारी करता है। जैसे ताजा डेटा जो उसने जारी किया है उसके मुताबिक रूस के 23,200 सैनिक अब तक मारे जा चुके हैं। रूस के 1,000 टैंक तबाह हो चुके हैं। 2,445 बख्तरबंद गाड़ियां यूक्रेनी सेना का शिकार बन चुकी हैं। करीब 190 रूसी लड़ाकू विमान और 155 लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी यूक्रेन तबाह कर चुका है। इस डेटा के जरिए यूक्रेन ये बताना चाहता है कि युद्ध में रूस जैसे शक्तिशाली देश को भी यूक्रेन के खिलाफ लड़ने में काफी नुकसान हो रहा है। ऐसे में रूसी सेना के अधिकारी ये चाहते हैं कि कीव की असफलता को यूक्रेन में दोबारा से बड़ी जंग शुरू करके धो दिया जाए। ये एक बड़ी वजह है कि रूसी सेना दोबारा से बड़े हमले कर रही है और तबाही की भयानक तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है। हालांकि अमेरिका समेत नाटो देश यूक्रेन की सैन्य मदद अब भी कर रहे हैं, और ये बात रूस को और गुस्सा दिला रही है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एक बार फिर नाटो देशों को चेतावनी दी है कि वो यूक्रेन की सैन्य मदद करना बंद कर दें, और इस बार लावरोव की ये चेतावनी खोखली नहीं है, क्योंकि 9 मई को कुछ बड़ा होने वाला है और ये बात यूक्रेन की मदद करने वाले सभी देश जानते हैं। कीव से राजेश पवार, मारियुपोल से गीता मोहन और मौसमी सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।